हेलो गाइस, नो 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 नॉट हेलो, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो, नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली ऑन हरे कृष्ण हरे रामा। सो राधे राधे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जाने वाला हूँ रायगंज से मायापुर। सब चीज़ें डिटेल्स से आप सभी को दिखाऊंगा, क्या कहाँ पर कैसा क्या करना चाहिए सब कुछ बताऊंगा गाइस। अब सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, अभी हम है मायापुर घाट में, यहाँ से हम पैदल या फिर ऑटो करके जाएंगे। मेरी गाइस, हम पैदल ही जाएंगे यहाँ से मायापुर। सो अभी हम पैदल चलते चलते आगे हैं श्री चैतन्य मठ। आप देख सकते हो इस तरफ, अंदर जाने का कोई सीन नहीं, बाहर से मैंने दिखा दिया, क्योंकि हम अभी जाएंगे मायापुर के अगल बगल में और जाकर रूम ढूंढेंगे गाइस, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बहुत ट्राई किया, रूम नहीं मिला मेरे को, इसलिए अब यहाँ पर आकर ही हम रूम बुक करेंगे। सो गाइस, एक मंदिर है, आप देख सकते हो बहुत प्यारा, 4G 5G 4G 5G। सो गाइस, यहाँ पर इतना प्यारा सा बजरंग बली का मूर्ति है, जय बजरंग बली। गाइस, घाट से मायापुर तक जाने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, और गाइस इस रास्ते में आप सभी को बहुत सारे मंदिर, अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल मंदिर दिखाई देंगे गाइस। सो गाइस, मैं हर एक मंदिर आप सभी को दिखाने वाला हूँ, कोशिश करूँगा। ओके गाइस, तो अभी गाइस एक और मंदिर पड़ा, मतलब अगर आप इस रास्ते में जाओगे आप सभी को रास्ते में मतलब कुछ ही देर बाद मंदिर दिखाई देगा। सो गाइस, सामने और एक मंदिर है, उसको भी दिखाऊंगा। सो गाइस, यहाँ पर और एक मंदिर है, आप देख सकते हो कितना सुंदर, बहुत ही बढ़िया। कैसा लग रहा है राहुल, तुमको कैसा लग रहा है कि तुम इतने दिनों के बाद पहली बार मायापुर आए हो, कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन अभी तक जीवन में पहली बार आया, पहुंचे नहीं है, पहुंचने के बाद। अच्छा, पहली बार आई। आपको मतलब तुमको कैसा लग रहा है बोलो? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। भूमबोल, तुमको? बहुत तो अच्छा लग रहा है, बस सबका एक ही सवाल, मतलब सॉरी मेरी एक ही सवाल। दुलाल, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा, और कोई शब्द नहीं। तापस ब्रो, दिल से फीलिंग हो रहा है, बोलो राधे राधे। ओ राधे राधे गाइस। नयन, तुमको कैसा लग रहा है? तो गाइस, यहाँ पर और एक मंदिर है, आप देख सकते हो, पल पल भर में एक मंदिर है, आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर। बट गाइस, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस ऐसे ही बाहर बाहर से ही। गाइस, सामने भी बहुत सारा मंदिर है, हर एक मंदिर में आप सभी को दिखाऊंगा। गाइस, यहाँ पर और एक मंदिर, सामने और भी है। गाइस, ये मंदिर थोड़ा सा बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी, आप देख सकते हो। ये गाइस अभी तैयार नहीं हुआ है, तैयार होगा अभी, की बोल सकते। गाइस, उस मंदिर के बगल में ही है ये लोटस टेम्पल। गाइस, आज तो बहुत अच्छा, और गाइस हम मायापुर आ चुके हैं, देख सकते हो गाइस मायापुर। गाइस, सामने ये हमारे वैदिक मंदिर, सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट मंदिर। आ गए वो मायापुर। गाइस, हम आ चुके हैं। Here's bros. So, हम गदा भवन के आसपास आ चुके हैं, अब रिसेप्शन पे जाएंगे, कहेंगे रूम है कि नहीं, है तो दिला दो, नहीं है तो क्या, फिर बाहरी रूम लेना पड़ेगा। So guys, अब देख सकते हो यहाँ पर जो मतलब बहुत ही साफ सुथरा है, ओ माई गॉड। गाइस, हम आ चुके हैं गदा भवन के सामने, ये रहा गदा भवन।
गाइस गदा भवन बहुत ही अच्छी है, अब देख ही सकते हो कितने सारे अच्छे अच्छे पौधे हैं यहाँ पर। वाह, मैं तो देख कर मतलब बहुत ही खुश हो गया। यहाँ पर भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं रंग बिरंगे। वाह, लव यू गदा भवन। गाइस गदा भवन में सारे रूम ब्लॉक में भी सारे रूम खत्म हो चुके हैं, सो अभी हम बाहर ही लेने पड़ेंगे रूम, और कर भी क्या सकते हैं। सो गाइस अभी हम गदा भवन के जो सामने जो मतलब एरिया है, एक थोड़ा सा छोटा सा ग्राउंड टाइप का, वो आप देख सकते हो मतलब बहुत ही क्लीन है। और गाइस मेरे जो ब्रोज लोग हैं वो मतलब इतना थक चुके हैं कि वो पहले चाहते हैं रूम, उसके बाद करेंगे फ्रेश, और उसके बाद वो घूमेंगे। जो व्यू देख सकते हो वो घर के छत से नहीं देख सकते। देखो व्यू, माय गॉड, दैट्स गॉड। सो गाइस अभी हम होटल से निकल गए हैं, गंगा में जाएंगे नहाने, डुबकी लगाने। मेरे को नहीं पता यार, तुम इन सबको पूछ लो। गाइस सनलाइट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब क्या कहूँ। गाइस अगर आप मायापुर अच्छी तरह से घूमना चाहते हो तो गर्मी के सीजन में कभी मत आना, क्योंकि आप सही से घूम नहीं पाओगे। सो गाइस हम सभी गंगा के घाट में आ चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूप है। और गाइस ये रहा गंगा माँ का पानी। सो गाइस हम नहा धोकर आ गए हैं रूम में, हम अभी है टेरेक्स में, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। वाओ गाइस, तो गाइस अभी हम दोपहर का लंच का कूपन काटेंगे, जो कि महाप्रसाद बोला जाता है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेप्शन है कूपन काटने के लिए, गदा भवन, नामहट्ट भवन और गीता भवन। अब गाइस यहाँ पर तीन रिसेप्शन काउंटर है, यहाँ से आप कूपन काट सकते हो। गाइस आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हम गदा भवन का जो 18 रुपीस का कूपन है वही हम लेंगे। गाइस अगर आप किसी होटल या फिर भवन पे रुकोगे तो आपको आधार कार्ड या फिर आपका किसी भी आइडेंटिटी कार्ड लाना पड़ेगा। गाइस हम रेडी हो चुके हैं मायापुर घूमने के लिए, थोड़ा रील्स भी बनाएंगे गाइस। सो गाइस हम एंटर कर चुके हैं मायापुर में, आप देख सकते हो। गाइस यहाँ पर हर वक्त हरे कृष्ण जी का नाम जपा जाता है। अब यहाँ पर जब भी आओगे, रात को सुबह को जब भी आओगे, अब हर समय यहाँ पर देख पाओगे कि हरे कृष्ण जी का नाम हमेशा जपता रहता है। गाइस आप देख ही सकते हो इसका जो ग्राउंड है वो कितना क्लियर एंड क्लीन है। गाइस एक भी कागज का टुकड़ा आपको नहीं दिखाई देगा, बहुत ही मतलब यहाँ के लोग मेंटेन करते हैं हर चीज साफ सुथरा रखने के लिए। गाइस हमने सुबह से कुछ मतलब खाया नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। हमने सुबह से गाइस थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह किया है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गदा भवन, जहाँ पे हम खाएंगे डिश। मेरे हाथ में आप देख सकते हो टिकट कैसा है, इसको गाइस कूपन कहते हैं। गाइस आप सभी को गदा भवन के अंदर डाव वगैरह, पानी वगैरह सब व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कितने सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर आप छाँव में भी रह सकते हैं, धूप में भी रह सकते हैं, आपके मर्जी। गाइस इस करकती धूप में भी हम सब घूमने निकले हैं सिर्फ मजे के लिए। मज़ा तो आने ही आ रहा है, बट सनलाइट जरूर हम पे गिर रहा है। सो गाइस यहाँ पर छाँव के लिए मस्त वे की पेंडल किया हुआ है गदा भवन के बाहर। सो गाइस अभी हम खाने महाप्रसाद दोपहर का खाने आ चुके हैं गदा भवन। सो गाइस अगर आप गदा भवन पे खाना खाना चाहते हो, महाप्रसाद खाना चाहते हो, तो यहाँ पर ऐसे आप सभी को जूते यहाँ पर रखना पड़ेंगे, और यहाँ जो आप हाउस देख पा रहे हो यहाँ पर आपका जूता जमा करना पड़ेगा। सो गाइस हमने जूते अंदर रखवा दिए, अब देख सकते हो कितना भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भी।
सो अभी हम भी लाइन पे लगने वाले हैं गाइस, हम सबसे पीछे। ओए अच्छा गाइस, यहां से एंटर करना पड़ता है। तो गाइस खुद प्लेट लेकर ऐसे आपको लेना पड़ेगा, राइस, दाल और मिक्स्ड सब्जी, एरा रोटी और गाइस एरा पनीर की सब्जी और भी है आगे। ये गाइस है बैंगन का चप, बैंगन का चॉप और पायस। सो गाइस इस प्लेट को लेकर आप जहाँ मर्जी बैठ सकते हो। यहाँ से गाइस आपको पानी लेना है, बट मैं तो खाते खाते पानी नहीं पीता तो मैं पानी नहीं लिया। सो गाइस यहाँ पर सीधे जाकर जहाँ पर आप बैठना चाहते हो वहीं पर बैठ सकते हो। तो गाइस अभी हम यहाँ पर अध्यात्मिक शो होता है, समुद्र मंथन और भी कुछ मतलब विषय के ऊपर बहुत ही अच्छे से 3D से आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ का गाइस जो टिकट है वो है 40 रुपया, यहाँ पर है वो काउंटर अब देख सकते हो 40 रुपया टिकट, आधा घंटे तक आपको दिखाएगा। सो गाइस अभी हम ओल्ड मंदिर के सामने हैं, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है ये, वाह। गाइस अगर आप भी चाहो तो ऐसा रील्स बना सकते हो। सो गाइस हम थोड़ा सा घूम के वापस अपने रूम में आ गए थोड़ा सा रेस्ट करने, क्योंकि हमारा नींद सही से पूरा नहीं हुआ था। सो गाइस ऊपर से व्यू आप देख सकते हो हमारे स्टेरिक से, बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस। अभी हम जाएंगे मंदिर में आरती देखने, अभी बजे गाइस 6 PM। गाइस आरती खत्म हो गया, तो आरती में गाइस फोन वगैरह अलाउ नहीं करता। तो गाइस वहाँ से मैं ये भगवत गीता खरीद के लाया हूँ। गाइस यहाँ पर बहुत सारे बुक्स है जो आप पढ़ के मतलब बहुत कुछ जान सकते हो। यहाँ पर गाइस भविष्य में क्या होने वाला है सब कुछ लिखा हुआ है। वह गाइस एक कैलेंडर भी हमें दिया हुआ है। मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि अगर अभी यहाँ पर आए तो यहाँ के जो बुक्स है वो जरूर खरीदे, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान आपको लाभ होगा। तो राधे राधे दोस्तों, रात हो चुका है, ये था मेरा पहला दिन इन मायापुर। अब सभी को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं।